हेलो एवरीवन, प्रीवियसली इन इंग्लिश ग्रामर वी हैड स्टार्टेड चैप्टर 13 एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट एडजेक्टिव्स. आई हैड टोल्ड यू व्हाट आर एडजेक्टिव्स. टुडे वी आर स्टार्टिंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम सीखेंगे एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं यार एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में हम बात करेंगे वो कौन से एडजेक्टिव हैं जिनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इंक्लूड करते हैं. तो जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वालिटी को मेंशन करते हैं, जिनका यूज हम क्वालिटी बताने के लिए करते हैं. ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई है, एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. वो सारे एडजेक्टिव्स जिनका यूज हम करते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में ये बताने के लिए वो किस तरह का है या वो कैसा है. तो जो एडजेक्टिव हमें ये बताएगा कि कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी वो कैसा है, किस तरह का है, वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा. ठीक है, जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल. एक हाथी एक बड़ा जानवर होता है. तो हाथी एक बड़ा जानवर है. यहाँ पर बड़ा होना एनिमल यानी कि हाथी का क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है. तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. मनोज बॉट अ न्यू पेंसिल बॉक्स. यहाँ पर पेंसिल बॉक्स की क्वालिटी क्या है, नया होना. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. ऐसे सोनू हियर द लाउड क्राई ऑफ हिज कैट. सोनू ने अपनी बिल्ली की जोरदार आवाज़ सुनी. तो ये जो आवाज़ का जो क्वालिटी है लाउड, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. सेम हियर, यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. इस तरह से हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 60 है. ऑन पेज नंबर 60 दीज टू एक्सरसाइजेस हैव बीन गिवन. द फर्स्ट एक्सरसाइज ए, सर्किल द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहां पर दिए गए सेंटेंसेस में से हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सर्किल करना है. यहां लिखा है वेंडी इज अ हैप्पी गर्ल. वेंडी एक बहुत ज्यादा बहुत खुश लड़की है. तो वेंडी एक खुश लड़की है. तो यहाँ पर लड़की के बारे में जो क्वालिटी बताई जा रही है वो है हैप्पी. तो यहाँ पर हम हैप्पी को सर्किल कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा चेतन इज अ हेल्दी चाइल्ड. चेतन एक स्वस्थ बच्चा है. तो यहाँ पर हम हेल्दी को सर्किल कर देंगे. सेम यहाँ पर द ओल्ड मैन हैज ग्रे हेयर. बूढ़े आदमी के ग्रे बाल हैं. तो यहाँ पर हम ग्रे को सर्किल कर देंगे. यहाँ लिखा है दिस बुक हैज ब्राउन कवर. यहाँ पर हम ब्राउन को सर्किल कर देंगे. ऐसे यहाँ लिखा है आई लाइक स्वीट मैंगोज. तो यहाँ पर हम स्वीट को सर्किल कर देंगे. ये सभी हमारी एडजेक्टिव्स हैं. 6, 7, 8, 9, 10 ये आप अपने आप करेंगे. इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज बी में हमसे बोला जा रहा है कि हेल्प बॉक्स की हेल्प से, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनकी हेल्प से आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. लिखा है भीमा वाज अ मैन. तो यहाँ पर हम यहाँ लिखा है हॉट, न्यू, डर्टी, ब्यूटीफुल, क्लेवर, टाइनी, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्ट, हंग्री. तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा उसको हमें फिल कर देंगे. यहाँ पर हम क्लेवर फिल कर सकते हैं, इसका मतलब होगा भीमा एक क्लेवर मैन था. और स्ट्रॉन्ग भी फिल कर सकते हैं, इसका मतलब होगा भीमा एक स्ट्रॉन्ग मैन था. इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जहाँ पर जो सूटेबल हो उस एडजेक्टिव को आप फिल कर लेना है. और इसको फिल करके सॉल्यूशन मुझे आप आज इसका भेज दें. आज के लिए बस इतना ही.